ये 3D मास्क, 3D फेस मास्क जो हम लोगों को कोरोना जैसे महामारी से थोड़ा बहुत रिलीफ देगा। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कैनवास पेपर और अस्तर का कपड़ा और एक मेन फैब्रिक। तो पहले मैंने यहाँ पे कैनवास पेपर ले लिया है जिसकी लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई है 7.5 इंच यानी 7.5 इंच। इसको हम लोग 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। और कोने के तरफ 2 इंच 2 इंच का दोनों तरफ 2 इंच 2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। और नाक में बिठाने के लिए या कुछ सुंदर भी लगने के लिए आंखों के नीचे का जो पोर्शन आता है उसके लिए ये गोलाई दे देंगे। अब हम लोग कोना वाला पोर्शन कटिंग कर लेंगे और इसको खोल लेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक ही साइड चाहिए गोलाई, इसलिए पहले खोल लिया है और एक ही साइड कटिंग कर लिया है। अब इस कैनवास पेपर को हम लोग अस्तर के कपड़े में चिपकाएंगे। आप लोग चाहे तो दोनों तरफ डिज़ाइनर कपड़ा यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 तरह का कपड़ा यूज़ किया है, एक डिज़ाइनर कपड़ा और एक अस्तर का कपड़ा। अस्तर के कपड़े पर अस्तर का कपड़ा भी इसी के कैनवास पेपर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए बाकी दोनों कपड़ा 1 इंच बड़ा लेंगे और अस्तर के कपड़े को कपड़े पर इसको पेस्टिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे आयरन से पेस्टिंग किया, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट स्टिचिंग भी कर सकते हैं। अब मेन फैब्रिक को भी इसके ऊपर रखते हुए आयरन कर लेंगे ताकि कपड़ा पूरा सुंदर बैठे। अब दोनों तरफ 1.5 इंच छोड़ते हुए पूरे कपड़े को मिडिल में 2 इंच छोड़ते हुए साइड में 1.5 इंच छोड़ते हुए पूरे कपड़े को कैनवास पेपर पर स्टिचिंग लगा लेंगे। कटिंग के अकॉर्डिंग ही स्टिचिंग लगाएंगे। यहाँ पे मैंने दोनों कपड़े को एक साथ स्टिचिंग किया है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखिए कैनवास पेपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए कपड़े को कटिंग कीजिए। अब जितना भी कोना है सारे कोने पर कट लगाएंगे और गोलाई वाले हिस्से को भी छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे। इससे हम लोगों को पलटने में और फिनिशिंग अच्छा आता है इससे। अब जहाँ पे खुला छोड़ा हुआ है उसी की ओर से पूरे कपड़े को पलट लेंगे यानी सीधा कर लेंगे। इस तरह से पूरा सीधा कर लेंगे और कोने को सारे कोनों को उंगलियों से निकाल लेंगे। और और थोड़े बहुत कोने जो अच्छी तरह से नहीं निकले उन लोगों को उन कोनों को
नीडल की सहायता से निकालेंगे। देखिए पूरा निकल जाता है नीडल के सहायता से। अब पूरे कपड़े को फिर से प्रेस कर लेंगे। प्रेस कर लेने से फिनिशिंग अच्छा आता है। आप लोग चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो, एकदम फाइनल में भी जाके आयरन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बारीकी से दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है इसके लिए ये मास्क बहुत ही ज़रूरी है। ये एकदम हम लोगों को फेस के ऊपर से नीचे तक पूरा ढक के रखता है। और जहाँ तक 2 इंच पे कट लगाया था वहाँ पे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लिया है। अब खुले हुए साइड को जुड़ते हुए पूरे कपड़े पर स्टिचिंग लगा लेंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और देखने में भी सुंदर लगेगा। अब 6 इंच का 2 इलास्टिक का पीस लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से लीजिए और कोने में डालते हुए पूरे साइड को एक पतला सा स्टिचिंग लगा लेंगे। दोनों तरफ इलास्टिक डाल लेंगे और इसी इलास्टिक को घुमाते हुए दूसरी तरफ भी डाल लेंगे और इस साइड भी स्टिचिंग कर लेंगे। इलास्टिक ऐसे घुमाते हुए दूसरी तरफ भी बनाना बहुत ही आसान है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको पूरा सीधा करते हुए एक त्रिकोण बनेगा। दोनों तरफ इसी त्रिकोण को मिलाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह भी बस हम लोगों का 3D मार्क्स बन के तैयार हो गया। देखिए अंदर वाला हिस्सा भी देखिए और बाहर वाला हिस्सा भी देखिए कितना फिनिशिंग आया है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये हम लोगों को प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा देते हैं। टेक केयर, बाय बाय।